हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का स्पोर्ट्स ट्रायल निकल के आया है। सेंटर की बात करते हो गाइस, 280C सेंटर जो कि बेंगलोर के अंदर ये सेंटर पड़ता है, इस सेंटर की तरफ से स्पोर्ट्स ट्रायल निकल के आया है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कब कहाँ कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मांग रखी है। बिकॉज गाइस, उसी ब्याप पे गाइस आप इसके अंदर ट्रायल दे सकते हैं, उसी ब्याप पे गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। कौन से गेम का गाइस इसके अंदर ट्रायल होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गाइस आपको लेके जाने हैं, तो गाइस इसके अंदर ना ही आपको अप्लाई ऑफलाइन करना है ना ही ऑनलाइन करना है, सीधा आपको जाना है और अपने गेम का ट्रायल देना है। एंड गाइस, इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किस प्रकार की फैसिलिटीज इसके अंदर मिलने वाली है, तो ऑल गाइस हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी ताकि आपका ऑल डाउट ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो सके। बिकॉज गाइस, आप स्किप कर करके देखते हो ना तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता। एंड गाइस, इससे पहले भी अपनी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का ट्रायल आ रखा है, जैसे कि बहुत से सेंटर की गाइस स्पोर्ट्स ट्रायल निकल के आ रखी है, रानीखेत की निकल के आ रखी है, जबलपुर की तरफ से निकल के आई है, अभी हाल ही फिलहाल में बेलगाम कर्नाटका की तरफ से निकल के आई है जिसके अंदर रेसलिंग गेम का ट्रायल निकल के आया है। तो मैंने गाइस आपको आई बटन में भी दिखाई दे जाएगा जो कि अपनी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का ट्रायल निकल के आया कर्नाटका की तरफ से, जिसके अंदर गेम की बात करें तो रेसलिंग गेम का निकल के आया है। जिनका गेम रेसलिंग है तो वो वहां जा सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस, इसके अंदर बात करें कौन से गेम का ट्रायल निकल के आया, तो इसके अंदर गाइस फुटबॉल गेम का वैकेंसी निकल के आया है। फुटबॉल गेम का खिलाड़ी इसके अंदर जा सकते हैं, उसका ट्रायल होने वाला है फुटबॉल गेम का, ठीक है। इंडक्शन रैली फॉर सिलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग यंग बॉयज इन फुटबॉल स्पोर्ट डिसिप्लिन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी ASC सेंटर 280C बेंगलोर। तो गाइस, इस सेंटर की तरफ से फुटबॉल गेम का वैकेंसी निकल के आया है, फुटबॉल गेम का, ठीक है। तो गाइस, आप फुटबॉल आपका गेम है तो गाइस आप वहाँ पे जाके अपना गेम का ट्रायल दे सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस, अब बात करें इसके अंदर क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, तो गाइस आपके 10 ईयर्स है और एंड 10 ईयर से टू 14 ईयर्स तक गाइस आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो गाइस, लगभग सभी सेंटरों के अंदर 8 से लेकर 14 साल तक के स्पोर्ट्स कैंडिडेट इसके अंदर जा सकते हैं। बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से जो निकल के आती है ना, उसके अंदर एज क्राइटेरिया जो रहता है 8 से लेकर 14 साल तक का रहता है। तो गाइस, जो इस सेंटर की तरफ से निकल के आई है, 10 से लेकर 14 साल के जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है वो इसके अंदर जा सकते हैं, जिसकी एज क्राइटेरिया 27 मार्च 2010 से लेकर 27 मार्च 2014 के बीच में एज क्राइटेरिया आता है वो इसके अंदर एलिजिबल है जाने के लिए, ठीक है। जिनकी 15-16 एज हो रखी है और वो गाइस नेशनल में उनका मेडल है या इंटरनेशनल लेवल पे उसका पार्टिसिपेशन है या इंटरनेशनल लेवल पे मेडल है, तो गाइस वो इसके अंदर जा सकते हैं। बिकॉज गाइस, जो नेशनल में मेडल होते हैं ना, उनको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो कि 15 से 16 साल के खिलाड़ी को, यानी कि 20 अंडर 20 वाले जा रहे हैं, अंडर 25 जा रहे, नहीं, अंडर 16 तक गाइस आप जा सकते हैं, आपके पास नेशनल में मेडल है या इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन है, तो गाइस आपको इसके अंदर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। वो आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है ये आपके प्राइवेट सेक्टर से है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन से है, तो गाइस उन्हीं को जाना है जिनकी जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर वाले जा रहे हैं, बिकॉज गाइस आपका स्टार्टिंग में ही इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। तो उसी दौरान गाइस आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट चेक होगा। अब आप यदि गाइस आपकी सर्टिफिकेट प्राइवेट सेक्टर से बनी हुई है, आपको तुरंत निकाल दी जाएगा, ठीक है। तो गाइस, अब बात करें, आपको मैंने बता दिया इसके अंदर एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अब बात करें गाइस हाइट क्राइटेरिया और वेट का, तो गाइस आप देख सकते हैं 10 ईयर्स के लिए जो हाइट है 143 सेंटीमीटर है, वेट आप 34 केजी होना चाहिए। 11 ईयर्स के लिए गाइस हाइट 150 है एंड वेट आपका 37 केजी होना चाहिए। 12 ईयर्स के लिए स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए जो हाइट क्राइटेरिया 153 है और वेट 40 होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया 13 ईयर्स के लिए जो हाइट रहना चाहिए 155 यानी 155 होना चाहिए, वेट गाइस 42 होना चाहिए। 14 ईयर्स जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है उनका जो हाइट है 160 होना चाहिए, वेट गाइस 47 होना चाहिए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि आपका ये एज क्राइटेरिया इसमें 10 से लेके 14 साल तक का आता है तो जाना है आपको, और हाइट इसमें आता है, वेट इसमें आता है, तो गाइस आप जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये जो ट्रायल चलने वाली है 27 से 29 मार्च के बीच में चलने वाली है,
एंड गाइस आपको 27 मार्च को ही पहुंच जाना है, सुबह 6 बजे गाइस आपको पहुंच जाना है। ये नहीं कि गाइस कि आप 28 तारीख को पहुंच रहे हो, 29 तारीख को पहुंच रहे हो, क्योंकि गाइस 27 से लेकर 29 मार्च तक ये तो ट्रायल चलनी है, तो 28 तारीख को नहीं पहुंचोगे आप पहुंचोगे 27 मार्च को, ठीक है, क्योंकि गाइस ये 27 मार्च को स्पोर्ट ट्रायल चलने वाला है। उससे अगले दिन आपका मेडिकल होगा, उससे अगले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोबारे से, तो ये सारी चीज़ें चलती है। ये ना सोचे कि मैं 28 तारीख को जाऊँगा, 29 तारीख को जाऊँगा, मेरे को ट्रायल ही तो देना है, ऐसा नहीं है। आपको 27 मार्च को ही पहुंचना है और सुबह 6 बजे पहुंचना है, 6 बजे से पहले पहुंच जाओ तो और भी बढ़िया है। एंड गाइस अब बात करें कहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो गाइस नंबर 4 गेट एएससी सेंटर 280 बेंगलोर, यहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। रजिस्ट्रेशन ऑन 27 मार्च 2024 फ्रॉम 6:00 AM। तो गाइस आप सुबह 6 बजे आपको 27 मार्च को ही वहीं पहुंचना है, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि नंबर 4 गेट एएससी सेंटर 280 सेंटर बेंगलोर, यहाँ पे आपको पहुंचना है। इस सेंटर की तरफ से गाइस बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का ट्रायल निकल गया है। तो गाइस मैंने आपको बताया कि कब कहाँ कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। एंड गाइस अब बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गाइस आपको लेके जाने हैं, तो गाइस आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो कास्ट से, एंड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि गाइस आपके स्कूल से बन जाएगा, ठीक है। एंड गाइस आपका डोमोसाइल एंड आपका 6 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो गाइस आपको लेके जानी है, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड, एंड गाइस आपका ओरिजिनल कॉपी ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेट। तो गाइस आपको ये सारी ओरिजिनल लेके जानी है, ये नहीं कि जीरोक्स लेके जानी है। तो ओरिजिनल के साथ साथ गाइस आपको जीरोक्स भी करा के लेके जानी है, बिकॉज गाइस आपका जैसे वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो गाइस इन सब की जो फोटो कॉपी से मांगी जाएगी, तो गाइस आप अंदर कराओगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। तो गाइस आप यहीं से अपने घर से करा के लेके जाएं ये सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट की, डेमो सेल की, तो ये सारी चीज़ें गाइस आप फोटो कॉपी जीरोक्स करा के ले जाएं 1:1 या 2:2, ठीक है। तो गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, आपकी प्लेइंग किट लेके जानी है आपको, ठीक है, स्टड वगैरह हो गए आपके फुटबॉल्स के अंदर स्टड होते हैं, ठीक है। तो गाइस ये सारी की सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, आपको मैंने बताया कि कब कहाँ से कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। एंड गाइस अब बात करें इसके अंदर क्या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मांग रखी, कब से कब तक की, एनी मेडल एट डिस्ट्रिक्ट नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन अबाउट स्पोर्ट्स। तो गाइस आपने डिस्ट्रिक्ट में मेडल है आपका, स्टेट में मेडल है, या नेशनल मेडल है, या इंटरनेशनल लेवल पे मेडल है फुटबॉल गेम के अंदर, तो गाइस आप इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस आपका जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल गवर्नमेंट से अप्रूव फेडरेशन से होना चाहिए, तो ही गाइस आपको जाना है, अदरवाइज आपको नहीं जाना है। एंड गाइस इसके अंदर सिर्फ बॉयज़ कैंडिडेट जा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी है जो बॉयज स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं, पर वो स्पोर्ट्स कैंडिडेट होना चाहिए, वही इसके अंदर जा सकता है, ठीक है। एंड गाइस इसके अंदर सिर्फ फुटबॉल गेम के खिलाड़ी जा सकते हैं, जैसे कि आपको कहोगे कि सर हमारा रेसलिंग गेम है, तो गाइस रेसलिंग गेम की अभी मैंने आपको आई बटन में भी दिख जाएगा कि अपनी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का ट्रायल निकल के आया है, 8 से लेकर 14 साल के स्पोर्ट्स कैंडिडेट उसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि गाइस अपनी बेलगाम कर्नाटक की सेंटर की तरफ से बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का ट्रायल निकल के आया, गेम की बात करें तो रेसलिंग गेम का निकल के आया, ठीक है। और भी गाइस सेंटर से भर्ती निकल के आ रही है, ठीक है, तो रानीखेत से निकल के आई है टाई कमांडो की, तो आपका जिस गेम में आपका गेम का वैकेंसी आ रखा है सेंटर में, आप उस सेंटर में जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर फुटबॉल के गेम के खिलाड़ी जाए, इसके अंदर रेसलिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फेंसिंग वाले इसके अंदर ना जाए, बिकॉज इसके अंदर गेम का वैकेंसी जो आया है फुटबॉल का आया है सिर्फ ओनली फॉर, ठीक है। तो गाइस फुटबॉल गेम के खिलाड़ी इसके अंदर जाए। तो गाइस आपको मैंने पूरा आउट क्लियर कर दिया कब कहां कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते मिनिमम गाइस आपकी 6th पास है, तो गाइस आप इसके अंदर जा सकते हैं। अब ये नहीं कि सर जैसे कि आप मान के चलो 9th में पढ़ रहे हो और गाइस आपने 8th पास कर ली, तो 8th की गाइस आपके पास मार्कशीट होगी ना, तो गाइस आपको 8th की मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। तो गाइस आपको मैंने पूरा बता दिया, आपको दोबारा रिकैप कर देता हूं, इसकी अप्लाई करिए ना ही ऑनलाइन है ना ही ऑफलाइन है, सीधा आपको डायरेक्ट जाना है अपने गेम का ट्रायल देना है। आपको मैंने बताया कि कब कहां कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक के बीच में ये स्पोर्ट्स ट्रायल चलने वाली है। एज लिमिट क्राइटेरिया 10 से लेकर 14 साल के स्पोर्ट्स कैंडिडेट इसके अंदर जा सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एनी मेडल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में आपने मेडल है, तो गाइज आप इसके अंदर जा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका, एंड डोमोसाइल हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, आपकी आपकी प्लेइंग किट हो गई, आपकी
स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया। तो ये गाइस आपको सारी चीज़ें लेके जानी है। एंड गाइस कहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, नंबर 4 गेट एएससी सेंटर 280 बेंगलोर, यहाँ पे ये सेंटर पड़ता है। इस सेंटर पे गाइस आपको रिपोर्टिंग करनी है, जो कि सुबह 6 बजे गाइस आपको पहुँच जाना है। इससे पहले पहुँच जाए तो वेल एंड गुड गाइस, 27 से लेकर 29 मार्च के बीच में गाइस ये स्पोर्ट टाइल निकल गया है। तो गाइस इसके अलावा फिर भी और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड गाइस जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट 10 से लेकर 14 साल की जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं वो अकेले ना जाए, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बंधु के साथ जाएं, ठीक है। तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो एलिजिबल कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स कैंडिडेट, उनके पास सर्टिफिकेट है, इससे एज क्राइटेरिया से इस एज क्राइटेरिया तक वो आते हैं, और उन जिनका फुटबॉल गेम है तो इसके अंदर जा सकते हैं। एंड गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर करें। जो नए व्यूअर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो लाता हूं। एंड गाइस साइड में बेल आइकन इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तो सही जानकारी सही टाइम पे पहुंच सके। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स आपको शो हो जाएगा। हालांकि गाइस वहां शो नहीं होता है, तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन गाइस इसका लिंक दे दिया जाएगा। सरलतापूर्वक ध्यान पर कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना गाइस, आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाता है, तो गाइस इस चैनल पे भी प्यार दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।